फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, हमें इनका कंप्लीमेंट निकालना है. कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट आया है कंप्लीमेंट्री एंगल्स से. कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे एक एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इसका कंप्लीमेंट्री एंगल होगा 60 डिग्री. क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल का जो सम है वो आ रहा है 90 डिग्री. और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. अगर tan प्लस 50, ये दो डिग्री, अगर ये दो एंगल्स मैं बोलूं तो ये आएगा 60 डिग्री. तो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्यों? क्योंकि इनका जो सम है वो 90 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री आ रहा है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और यहां पे अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं तो 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री एंड 60 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री. इसी तरह से हमें यहाँ पे 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है. तो या तो हम इसको सीधा 90 से माइनस कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें पता है टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. तो हम मान लेते हैं कि एंगल 1 हमारे पास है 20 डिग्री. लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड एंगल 2 जो हमें निकालना है, एंगल 2 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 1, एंगल 1 विच इज 20 डिग्री. हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब बनेंगे जब इनका सम होगा 90 डिग्री. एंगल 1 हमें दिया हुआ है यहां पे 20 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहां से हम एंगल 2 निकाल लेंगे 90 डिग्री, 20 डिग्री उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा. एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 20 इज 70 डिग्री. एंगल 2 यहां पे क्या है? एंगल 2 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 1 इज 20 डिग्री. तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हुआ? 70 डिग्री. तो हम कह सकते हैं कि 70 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री. आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 90 माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. 70 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 63 डिग्री का हमें फिर से कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है. यहां पे भी हम इसको लेट मान लेते हैं. लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 63 डिग्री एंड एंगल 2 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 1 जो कि है 63 डिग्री. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल 1 हमें दिया हुआ है 63, यहां पे हम 63 लिख देते हैं. एंड एंगल 2 जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट है वो हमें निकालना है, उसको लिख लेते हैं. एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 63 यहां पे आएगा, माइनस करेगा 63 डिग्री. एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 33 इज इक्वल टू 27 डिग्री. तो हम एंगल 2 क्या है? एंगल 2 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 1. देयरफॉर वी कैन से दैट 27 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री. थर्ड क्वेश्चन, आप चाहे तो इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधा 90 डिग्री माइनस 63 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 27 डिग्री. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हमें निकालना है 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल. यहां पर भी लेट कर लेते हैं. लेट एंगल 1 हम मान लेते हैं पहला एंगल है जो कि है 57 डिग्री एंड एंगल 2 जो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो हमें निकालना है. तो एंगल 2 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 1 जो कि है 57 डिग्री. नाउ दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल 1 विच इज गिवन दैट इज 57 डिग्री प्लस एंगल 2
यहां से हम एंगल टू निकाल लेंगे, 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो एंगल टू कितना आएगा, 33 डिग्री। आप चाहे तो इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 90 डिग्री को सीधा डायरेक्ट माइनस कर देना 57 डिग्री से, तो आपका आंसर आ जाएगा 33 डिग्री, बट दिस इज द प्रोसीजर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 करेंगे, टिल देन गुड बाय।